इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। परीक्षा से नहीं साहब, कोरोना से डर लगता है। इस बात को लेकर जबलपुर में आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने नर्मदा नदी के गौरीघाट तट में ठंड के बीच जल सत्याग्रह आंदोलन किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कोरोना संक्रमण के बीच होने वाली ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रही है। हमारी मांग है कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाएं ओपन बुक अथवा ऑनलाइन प्रणाली से आयोजित कराई जाए। हम शासन से भी यही मांग करते हैं कि छात्रों कोरोना को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा का ख्याल रखें एवं उन्हें दूसरा मौका जो दे रहे हैं उसके संबंध में वो नियम जारी करें, अन्यथा हमारे द्वारा आंदोलन जारी रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल जबलपुर में आज से एक नई शुरुआत की गई है। अब सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियों को सहेज कर बनाया गया संग्रहालय आमजन के लिए खुलेगा। खास बात यह है कि जेल विभाग ने संग्रहालय में आमजन से कोई फीस नहीं ली है, ये निशुल्क है। संग्रहालय में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा में तैनात अधिकारी कर्मचारियों को अपनी ID दिखानी होगी। वहीं संग्रहालय में मौजूद जेल कर्मी नेताजी से जुड़ी बातों सहित मौजूद अभिलेख के संबंध में जानकारी भी आमजन के साथ साझा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य पे आज सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में आज स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सुपरिटेंडेंट जेल के साथ आज यहाँ हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको फूलमाला अर्पित किए। जबलपुर गौरवान्वित है कि उनकी जबलपुर में वो यहाँ पे वो आए और जबलपुर से उनका काफ़ी इतिहास भी जुड़ा हुआ है। और जैसा कि सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया है, यहाँ भी उनका कुछ समय यहाँ बीता था और वही जो बैरेक है उसका भी हमने अवलोकन किया और वहाँ भी फूलमाला हमने अर्पित की श्रद्धांजलि हेतु। आज इस कार्यक्रम के लिए मैं सुपरिटेंडेंट जेल और उनके टीम को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सभी स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो आइडियल्स हैं उनका अनुसरण अपने जीवन में भी करें। जबलपुर में आज भाजपा जिलाध्यक्ष GS ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कचहरी वाले दरगाह में चादर चढ़ाई। आज भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी जिलाध्यक्ष, हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाले ऐसे माननीय GS ठाकुर जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर कचहरी वाले बाबा के यहाँ चादर चढ़ाई गई और देश की अमन चैन शांति के लिए दुआ की गई। कार्यकर्ताओं की खुशी का मामला है, कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन का विषय है। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रम रखे थे, लेकिन कोविड काल को चलते हुए हमने सिर्फ ये तय किया कि हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे और इसीलिए आज हम उन गाँव में जाएंगे। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के तमाम कार्यकर्ताओं ने, अध्यक्ष उदय संसारी जी ने, मंगन सिद्दीकी जी ने, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर चादर चढ़ाने का कार्यक्रम रखा था। हमने आकर यहाँ चादर चढ़ाई और यहाँ आकर प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। पूर्व मनोनीत भाजपा अनिल भल्ला ने अपने तो क्षेत्र में सभी लोगों के साथ मिलकर एक सामुदायिक भवन बनवाया और अब उसी भवन पर भाजपा पार्षद कब्जा करने में जुटा हुआ है। पूर्व भाजपा पार्षद ने सामुदायिक भवन में अपने नाम का एक शिलालेख लगवाया है और जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर स्थानीय लोगों के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित लोगों ने गढ़ा थाने में पूर्व भाजपा पार्षद और उसके भाई सहित साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। बेदी नगर स्थित सार्वजनिक हॉल है जो सारी वहाँ के रहने वाले लोगों ने बनाया है, यदि मंगल समिति के नाम से बनाया है, अपने पैसे संग्रहण करके जिसको जो देना था, जिनने दान दिया उनसे बना हुआ है। यहाँ पे मानोन पार्षद श्री अनिल भल्ला जी रहते हैं, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है और बाकायदा अपने नाम का पत्थर लगाया हुआ है कि पार्षद मत से इन्होंने 35 लाख रुपये खर्चा करके ये बनवाया है। और आज उनसे बात करने गए थे कि आपने जो पैसा लगाया है उसका हिसाब दे दें और अपना पैसा ले लें। तो उनके यहाँ बैठे हुए कुछ और भी उनके साथ के लोग थे, जैसे बॉबी वर्मा, टोनी वर्मा, इन लोगों ने जोर जोर से बातें करके उनको उकसाया और बकायदा उन्होंने, उनके छोटे भाई ने
किरण किरण प्रकाश राजपूत जी को बहुत मारा, जिससे उनको वो खुद अपाहिज है किरण प्रकाश राजपूत जी, और वो उनका मुआवजा कराने के लिए मेडिकल लेके गए हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उनकी पसली में पेन ज़्यादा चोट है और शायद पसली में फ्रैक्चर भी है। और इसके बाद अनिल भल्ला जी ने उठ के मुझे मारा, और इस तरीके से उन्होंने जो कृत्य किया है ये सामाजिक तत्वों की गिनती में आता है और निंदनीय। आशीर्वाद होटल के मालिक भल्ला जी द्वारा सूचना दी गई कि जो बेदी नगर में गुरुद्वारा है, बेदी नगर गुरुद्वारा, उनके सदस्यों द्वारा कुछ सामुदायिक भवन लेके, सामुदायिक भवन के निर्माण और उसके संबंध में कुछ विवाद है, कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं समाज के। मौके पर पहुँचे थे, उनको समझाया गया कि जो भी आपके विवाद हैं, उन्होंने मनोनीत पार्षद अनिल भल्ला और उनके भाई लोगों पे आरोप लगाया है, और क्योंकि उसमें वहाँ CCTV में कोई घटना घटित हुई है, तो CCTV की फुटेज वगैरह हम प्राप्त कर लेंगे, और जो भी होगी आवश्यक कार्य भी करेंगे। और जहाँ तक के इनके गुरुद्वारे से संबंधित विवाद या जो भी है, इस संबंध में SDM या तहसीलदार महोदय के यहाँ हम कार्यवाही हेतु जो भी होगा करेंगे। जबलपुर के पनागर क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंगल भवन में कोविड उपचार केंद्र खोला गया है। कोविड उपचार केंद्र खोलते समय भव्य आयोजन भी किया गया, लेकिन आज तक इस उपचार केंद्र में किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज का उपचार नहीं किया गया है। यही नहीं, इस उपचार केंद्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। इलाज न मिलने की वजह है इस उपचार केंद्र में ताला लगा होना है। उपचार केंद्र के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेड और दवाइयों की व्यवस्था है, लेकिन गेट पर ताला लगा होने की वजह से कोविड मरीज इस उपचार केंद्र में इलाज तक नसीब नहीं हो पा रहा है। जबलपुर के जिला कलेक्ट्रेट में एक विकलांग महिला आवेदक पिछले कई दिनों से विकलांग पेंशन के लिए भटक रही है। रांची इलाके में रहने वाली इस विकलांग महिला को पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है। पेंशन न मिलने से महिला को कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महिला कलेक्टर ऑफिस के चक्कर पे चक्कर काट रही है, लेकिन उसे अभी तक किसी भी प्रकार का प्रशासन ने भरोसा तक नहीं दिलाया है। आज मैं अपनी समस्या ये लेकर आई हूँ कि मेरे को 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही है मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं मिल रही है मुझे। मेरे को विकलांग की पेंशन मिलती है। तो 2 महीने से आपकी पेंशन नहीं आ रही है? 2 महीने से नहीं मिल रही है। तो मेरा आवेदन अभी निकला है, अभी तो अभी बोले नहीं है कि कब तक मिल जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।